गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेटे, हम अपना पीरियोडिक वन का जो हमारा चैप्टर है, एनिमल एंड देयर फीडिंग हैबिट्स, ठीक है, एनिमल एंड देयर फीडिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एनिमल्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, हर्बिवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। तो ये हमारा एक रिविजन लेक्चर है, ठीक है, तो हम इन डेफिनेशंस को जल्दी से रीड आउट करेंगे। हर्बिवर्स आर दोज एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं या प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनको हम हर्बिवर्स बोलेंगे, जैसे काउ, बफेलो, शीप, गॉट, हॉर्स, एक्सेट्रा। क्लियर? कार्निवर्स आर दोज एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस ही खाते हैं, उनको हम कार्निवर्स एनिमल बोलेंगे, जैसे टाइगर, लॉयन, कैट, स्नेक, फ्रॉग, ईगल, आउल, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड आर सम ऑफ द कार्निवर्स। नेक्स्ट इज ओमनिवर। ओमनिवर्स में कौन से प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, जो बेटे प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। Animals that eat both plants and the flesh of other animal are called omnivores and omnivorous animal, like dog, monkey, bear, chimpanzee, ant, sparrow and crow are some of the omnivores. Clear? So next हम पढ़ेंगे eating habits of animals. Eating habits का मतलब कि वो उनका जो खाने का जो तरीका है वो कैसा है। अब जो हर्बिवर्स होते हैं, उनकी हर्बिवर्स लाइक काउ, बफेलो, कैमल एक्सेट्रा बाइट देयर फूड विद द शार्प फ्रंट टीथ। उनके शार्प टीथ होते हैं फ्रंट से। दे स्वेलो हाफ च्यूड फूड, वो अपने खाने को अच्छे से चबाते हैं, अपने मुंह के अंदर बार बार उसे चबा के अच्छे से, फिर ही वो उनके इंटेस्टाइन में वो अंदर जाती है। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्नोइंग। क्लियर? ईटिंग हैबिट ऑफ कार्निवर्स। कार्निवर्स के बेटे लॉन्ग और पॉइंटेड, मतलब बहुत लंबे और तीखे दांत होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, कैनियंस। क्लियर? ये इनको फ्लैश को फाड़ने में, उसको चबाने में, ग्राइंड करने में उनको हेल्प करता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट आएगा ओमनिवर्स। ओमनिवर्स जैसे ये ह्यूमन स्केल है, इनके दांत देखो थोड़े से चौड़े भी हैं, ठीक है ना, और क्या है, थोड़े से देखो चौड़े भी हैं और अलग अलग हैं, मतलब लोअर जा अपर जा भी हैं। तो ओमनिवर्स में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के लोग आते हैं। वेजिटेरियन का मतलब जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, और नॉन वेज का मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। क्लियर? फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल नीड केयर। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं बेटे, जैसे डॉग, हॉर्स, काउ, कैट, जो हम घरों में पालते हैं, ठीक है। द एनिमल्स होम वी कैप कीप आर एट आर होम्स और फार्म्स, जो हम अपने फार्म्स पे या होम्स पे उनको रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक एलिमेंट्स एनिमल्स। क्लियर? सो ये हमारे पास आएगा चेक पॉइंट वन। सर्कल द एनिमल विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अब देखो हर्बिवरस कौन सा इसमें ग्रुप जो है वो बिलोंग नहीं करता, काउ, डियर, हॉर्स, वल्चर। तो काउ एक हर्बिवरस है, डियर भी हर्बिवरस है, हॉर्स भी हर्बिवरस है, और वल्चर ये हर्बिवरस नहीं है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्निवर। स्नेक, शीप, लायन, टाइगर। तो कार्निवरस में से कौन से हैं, स्नेक, शीप, लायन, टाइगर। स्नेक भी कार्निवर्स है, लायन भी कार्निवर है, टाइगर भी कार्निवर है, तो इसमें शीप ऑड है, तो हमने शीप को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज ओमनिवर। मैन, क्रो, गोट एंड बियर। तो इनमें से ओमनिवर मैन भी ओमनिवर है, क्रो भी ओमनिवर है, बियर भी ओमनिवर होता है, सिर्फ गॉट है बेटे वो हर्बिवरस है, तो गॉट एक ऑड एनिमल है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। डोमेस्टिक एनिमल, हम अपने फार्म्स में और अपने घरों में क्या रखते हैं, एलिफेंट, काउ, कैट, डियर। अब एलिफेंट भी देखो, इनको भी पाला जाता है सर्कस वगैरह में, काउ भी होती है, कैट भी रखते हैं लोग घर में, डियर नहीं रखते, तो डियर इज अ ऑड वन, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट आएगा हमारे पास स्पेशल ईटिंग हैबिट इन एनिमल। अब कुछ एनिमल्स हैं जिनके पास स्पेशल ईटिंग हैबिट्स होती हैं, मतलब उनके दांत नहीं होते, दे हैव अ लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक माउथ पार्ट लाइक बटरफ्लाई, ठीक है। इनकी चोंच जैसी होती है, देखो जरा ध्यान से पिक्चर, इनकी चोंच ऐसी होती है कि वो फूलों के अंदर अपनी चोंच को अच्छे से डाल देती हैं और फिर उसमें उनका जो रस है वो लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। विथ सच माउथ पार्ट बटरफ्लाइज सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर।
नेक्टर, हम फलों के रस को बेटे नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एंड मॉस्किटोज पियर्स द स्किन ऑफ अदर एनिमल एंड सक देयर ब्लड। बटरफ्लाई क्या करती है, वो फ्लावर के अंदर एकदम से स्टिंक कर देती है, डंकती है, और जो मॉस्किटोज होते हैं वो किसी ह्यूमन के अंदर स्टिंक कर जाते हैं, ठीक है। तो स्वेलोइंग, अब नेक्स्ट आएगा स्वेलोइंग द होल फूड होल। स्वेलिंग का मतलब है जिनके दांत नहीं होते, या जो क्या करते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी अंदर ले जाते हैं उनको, बिना फाड़े ना कुछ, ठीक है। द टीथ ऑफ सम एनिमल लाइक स्नेक, क्रोकोडाइल आर नॉट एबल टू च्यू द फूड। जो स्नेक और क्रोकोडाइल के टीथ होते हैं वो इतने अवेलेबल नहीं, मतलब वो इतने स्ट्रांग नहीं होते कि वो किसी चीज़ को फाड़ सके, तो वो क्या करते हैं सरासर वो सारे का अपना जो फूड है वो सारा का सारा अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं। दीज एनिमल स्वेलो देयर फूड होल, क्लियर। सो नेक्स्ट इज एनिमल विद स्पेशल बॉडी पार्ट टू हेल्प ईट फूड। एनिमल जब जिनके स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट है, इसमें हमने एलिफेंट के बारे में पढ़ा था चैप्टर में, एलिफेंट की क्या होती है, सूंड होती है, ट्रंक होती है, तो उनके हाथ से तो नहीं वो फ्लावर या फल जो है वो तोड़ सकता है, वो सूंड से ही तोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक। ट्रंक को बेटे सूंड बोलते हैं, ठीक है। और कैमेलियन है, उसकी देखो टंग इतनी बड़ी होती है कि वो दूर बैठे हुए इंसेक्ट को भी फटाफट से चिपक लेता है, ठीक है। सो एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग थिक स्ट्रॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक। इट यूजेस इट्स ट्रंक टू ईट इट्स फूड एंड ड्रिंक वाटर। इट ऑल्सो यूजेस इट ट्रंक टू टेक अ शावर। वो अपनी सूंड में पानी भर के अपने ऊपर नहा भी लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक कैमेलियन एंड फ्रॉग हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग विच इज जॉइंट एट द फ्रंट ऑफ देयर माउथ। दे शूट आउट देयर टंग्स टू कैच इंसेक्ट। वो कीड़े मकौड़ों को पकड़ने के लिए अपनी जो टंग है उसको यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आएगा बेटे फूड चेन, क्लियर। तो फूड चेन क्या है, अब हमारे पास फूड चेन मतलब ग्रास। सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी चीज़ आती है ग्रास। ग्रास को हर्बीवर है, ग्रास अपना खाना खुद बनाती है, बिकॉज प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाएंगे। घास को कौन खा जाता है, डियर। डियर को कौन खाएगा, टाइगर, ठीक है। तो इसी तरह से एक चेन बन जाती है, और चेन हमेशा हर्बीवर से ही शुरू करते हैं, और इसे वो इसका शिकार है, और वे टाइगर जो है वो डियर को खाएगा, डियर जो है वो घास को खाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रे हैं, शिकार है, क्लियर। सो देयर इज अ चेक पॉइंट टू एन एनिमल विद द लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, कैमेलियन हमने भी पढ़ा था। एन एनिमल विच सक ब्लड थ्रू अ हॉलो ट्यूब, मॉस्किटो हमने भी पढ़ा था, मच्छर जो है वो ब्लड को सक कर लेता है ना। थर्ड एन एनिमल विच स्वेलो इट्स फूड होल, क्रोकोडाइल एंड स्नेक, जस्ट हमने अभी रीड किया, क्लियर। सो बेटे ये मैंने आपको चैप्टर रिवाइज करवाया है, जस्ट आपको एक रीडिंग देनी है अपने चैप्टर की, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी, क्लियर। अच्छे से अपना चैप्टर आपको करना है, कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ है तो हम जस्ट सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। सो लेट्स टेक इट आउट दीज बैक एक्सरसाइजेस फॉर वंस एटलीस्ट। फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। हर्बीवोरस ईट, हर्बीवोरस क्या खाते हैं, प्लांट फ्लैश, बोथ प्लांट एंड फ्लैश, या ओनली फिश, ओनली प्लांट्स। हर्बीवोरस सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं। विच एनिमल ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, कौन सा एनिमल जो होते हैं वो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं दूसरे जानवरों का, कार्निवोरस, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं। ह्यूमन हु ईट फूड फ्रॉम प्लांट ओनली आर कॉल्ड, जो ह्यूमन है जो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं वो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन, क्लियर। अब देखो क्रोकोडाइल फिलअप्स भरेंगे हम, एग्जाम में आपको ये ऊपर मैं हिंट नहीं दूंगी, तो आपको आपकी स्पेलिंग्स अच्छे से खुद लर्न करने हैं। क्रोकोडाइल ईट देयर फूड बाय स्वेलोइंग। एन एलिफेंट यूजेस इट्स डैश टू ईट एंड ड्रिंक। एलिफेंट क्या यूज करता है खाने पीने के लिए, अपनी ट्रंक, सूंड। वी ईट फूड टू डैश एंड डैश, वी ईट फूड टू डैश एंड डैश, ग्रो एंड लीव, ठीक है। अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद द प्लांट, फूड चेन हमेशा प्लांट से ही स्टार्ट होती है, क्लियर। सो जस्ट इसके अब क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तब तक आप अपना चैप्टर अच्छे से रीड करो, बैक एक्सरसाइजेज अच्छे से रीड करो। इफ़ यू पीपल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर दैट, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनी वर्ड, रिगार्डिंग एनी डेफिनेशन, देन डू सेंड मी अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर, ओके। थैंक यू।